जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड फॉर फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। आपने देखा होगा घरों में आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये हमने पढ़ लिया था। तो जब फायर ब्रिगेड आता है तो क्या करते हैं, वो पानी फेंकते हैं। पानी से टेम्परेचर कम हो जाता है। आपको ये भी पता है कि जो कंडीशंस हैं वो फ्यूल है, एयर है और हीट है। हीट को कम करेंगे या एयर को बंद कर देंगे या फ्यूल को वहाँ से हटाएंगे तो जो आग है नहीं लगेगी। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाई रिमूविंग वन और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंगुइशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो जो फायर फाइटर होता है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो हवा की सप्लाई को काट दे, यानी हवा बंद कर दे, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या फिर जो ईंधन है उसका टेम्परेचर कम कर दे, या दोनों काम कर दे, हवा भी और वो भी। तो हम ये हमें पता है कि नोटिस दैट इन मोस्ट केसेस तो फायर कैन बी, दोनों को नहीं हटाया जा सकता। फॉर इंस्टांस ए बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज़ ए फ्यूल। तो सारी बिल्डिंग एक फ्यूल होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सटिंगुइशर, फायर एक्सटिंगुइशर। ये एक सिलेंडर होता है, ठीक है। तो इससे हम आग बुझाते हैं। मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंगुइशर इज वाटर। सबसे बढ़िया जो आग बुझाने वाला चीज़ होती है वो पानी होता है। बट वाटर वर्क्स ओनली वैन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। अगर लकड़ी और कागज़ जैसी चीज़ें हैं, गत्ता है, ऐसी चीज़ों को अगर आग लगी है तो पानी काम करता है। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, अगर बिजली की चीज़ों को आग लगी है, वायरिंग से आग लगी है, तो वाटर जो होगा वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, इसलिए वो उन लोगों को करंट लगेगा जो लोग आग बुझा रहे हैं, ठीक है। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल बाई फायर इन्वॉल्विंग ऑयल और पेट्रोल। जो तेल या पेट्रोल को आग लगती है वहाँ भी फायर जो है, वहाँ भी जो पानी है वो काम नहीं करता, क्योंकि वाटर जो होता है जो भारी, उसमें पेट्रोल और ऑयल जो होते तैरने लग जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं और ऊपर से आग नहीं बुझती। जब हम किसी चीज़ पर डालते हैं पानी तो पानी नीचे चला जाता है और ऑयल वगैरह जो बर्निंग चीज़ है वो ऊपर आ जाती है। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बेस्ट एक्सटिंगुइशर। अगर पेट्रोल की या बिजली के सामान की आग बुझानी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बढ़िया आग बुझाने वाला काम करती है, ये गैस है। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में भी है, लेकिन हम लोग सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, या इसमें भरने का काम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से भारी होती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आग वाली जलती जगह पर डालते हैं तो ये कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, वो एक कंबल की तरह आग को ढक लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है तो आग बुझ जाती है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि बिजली के चीज़ों को और ऑयल वाली चीज़ों को ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। हाउ डू वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, की सप्लाई हम कैसे लेंगे। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं। जब हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं तो लिक्विड में बदल जाती है। इन वट फॉर्म इज़ LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। LPG जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, होती वो गैस है, लेकिन उसको अंडर प्रेशर सिलेंडर में भरते हैं। जो लाल सिलेंडर होते हैं घरों में, तो उसमें प्रेशर से जब भरते हैं तो वो लिक्विफाइड होती है। अब सिलेंडर को हिलाओगे ऐसे लगेगा जैसे उसमें पानी है, तो जब सिलेंडर से वो रिलीज होती है तो वो गैस बन जाती है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपैंड्स इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर से निकलती है, जब उसमें भरी हुई है प्रेशर से, जब उसमें से बाहर निकलती है तो वो वॉल्यूम में एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। सो इट ओनली नॉट ओनली
forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डालने का ये फ़ायदा दूसरा है कि ये ना सिर्फ उसके चारों ओर ब्लैंकेट बनाती है पर उसका टेम्परेचर भी डाउन कर देती है. दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सलेंट एक्सटिंक्शर. अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट. ये सिलेंडर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर भरा होता है और उसमें या पोटाशियम बाइकार्बोनेट का, और नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2. फायर के नज़दीक ये जो केमिकल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं.